कैबिनेट से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और अब आपको सीधे रुद्रप्रयाग लेकर चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक सर्विसमैन को संबोधित कर रहे हैं। संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार अटल जी ने उत्तराखंड की रचना और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संभालेंगे। और तो आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, जब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने बहुत तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से वो वादों को पूरा करने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर विकास बहुत जरूरी, हर राज्य का विकास जरूरी, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है कि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के सत्या केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहां नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। यहां बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, जंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकूट साहब, रुद्रनाथ का मंदिर। मैं अभी अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते हैं। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।